प्रदेश भर में भी कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। पिछले 12 घंटों की अगर बात की जाए तो कोरोना की वजह से राजधानी जयपुर में एक मरीज की मौत हो गई। अब तक कोरोना के मरने वालों का आंकड़ा 29 पर प्रदेश में पहुंच गया है। वहीं प्रदेश भर में 36 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। हालांकि 2 दिन पुरानी मौत की चिकित्सा विभाग ने अब पुष्टि की है। सर्वाधिक 18 केस कोटा से सामने आए, जहां भरतपुर में 1, राजधानी जयपुर में 13 नए पॉजिटिव केस आज सामने आए। झालावाड़ की अगर बात करें तो 4 पॉजिटिव केस। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जो है वो 2000 तक पहुंच गया। इसके अलावा 473 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव भी आ गए हैं। राहत की बात इसमें 193 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज अभी तक प्रदेश से कर दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता लोकेश ओला मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, दिन ब दिन यहां पर आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, चिंतनीय स्थिति होती जा रही है। 2000 तक पहुंच गया है प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा। और हमने 2000 पॉजिटिव केस है हमारे यहाँ, तो हमने 473 लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव भी कर दिया है, उसमें से 193 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया है। और जो राष्ट्रीय औसत है मृत्यु का 3.18%, हमारे राज्य का 1.43% है। हम 15वें स्थान पे हैं। इसलिए राजस्थान में जो पेंडिंग सैंपल्स के रिजल्ट आने थे टेस्ट के, वो आए हैं, उससे थोड़ी संख्या बढ़ी है। नए केसेस के रूप में राजस्थान में पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, और हमारा परसेंटेज गिरा है। हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको हम निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। अभी डेजर्ट इंस्टीट्यूट जो जोधपुर के अंदर है, वहां भी 300 टेस्ट पर डे करने का हमने काम शुरू कर दिया है। 4 जगह पे RT-PCR मशीन भेज दी है, वहां भी जल्दी शुरू हो जाएगा। भिलवाड़ा में हमको ICMR से आजकल में परमिशन मिलने वाली, वहां टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। अजमेर और जोधपुर में हम टेस्टिंग कैपेसिटी दुगनी करना चाह रहे हैं। और कोबोस 8800, जिससे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे 3000 टेस्ट पर डे बढ़ जाएगी, वो हम जयपुर और जोधपुर के लिए खरीद रहे हैं, ऑर्डर दे दिया है उसका। कुल मिला के राजस्थान में आज 5006 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी हमने डेवलप कर ली है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए जोधपुर से एवं संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या स्थिति है जोधपुर में, अभी कितने मरीज आज सामने आए और किस प्रकार से यहां पर रणनीति बनाई जा रही है आगे के संकट से लड़ने के लिए? जोधपुर शहर की बात करें तो लगातार जोधपुर शहर में कोरोना के मरीजों का आने का सिलसिला जारी है। वहीं आज सुबह की बात करें तो जो सरकारी बुलेटिन जारी है उसके अंदर एक भी मरीज सामने नहीं आया, लेकिन दोपहर तक जो जोधपुर का राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर है, वहाँ का एक रीडर कोरोना का पॉजिटिव आ चुका है। जैसी बहुत बड़ी बात है कि वहाँ का रीडर पॉजिटिव आना, फिलहाल प्रशासन भी सूचना मिलने पर पूरा प्रशासन के अंदर हड़कंप मच चुका है। प्रशासन जो हाईकोर्ट का परिसर है उसके अंदर नगर निगम द्वारा दमकल की गाड़ियां भेजकर 100 टीम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। और जो रीडर कोरोना का पॉजिटिव आया है उसके परिवारों को भी क्वारंटाइन किया गया है, और उसके आसपास के जो भी रहने वाले हैं उनको भी अस्पताल भेजा गया है। जी। सत्येंद्र, इसके अलावा जोधपुर से अभी तक जितने भी मरीज सामने आए उसमें से कितने मरीज यहाँ बताया जा रहा है कि ठीक हो चुके हैं और कितने मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है अभी तक? जी बिल्कुल, यदि इस विषय में बात करें तो जोधपुर में लगातार जो मरीज आ रहे हैं उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। आज सुबह जो जानकारी थी उसके करीब 69 के करीब मरीज उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। वहीं जोधपुर की सबसे बड़ी बात करें तो ईरानी जो एयरलिफ्टेड किए गए थे जोधपुर और जैसलमेर के अंदर, उनके अंदर करीब आज 205 ईरानियों को ले के लिए विशेष विमान के द्वारा रवाना किया गया था। वहीं जोधपुर के अंदर करीब 60 ईरानी थे जो कोरोना के पॉजिटिव आए थे, उनमें से अभी मात्र 14 ईरानी है जो कोरोना के पॉजिटिव रहे, उनका जोधपुर के एम्स के अंदर इलाज चल रहा है। और जैसे जैसे ईरानी ठीक हो रहे हैं उनको लगातार वापस उनके घर भेजने का सिलसिला भी जारी है। अभी तक 4 विमान के द्वारा उनको भेज दिया गया, और आगे भी जो जो लोग ठीक हो रहे हैं उनको भी अब उनके घर भेजने का काम किया जा रहा है। जी। तमाम जानकारी के लिए बेहद धन्यवाद सत्येंद्र। जोधपुर से एवं संवाददाता को सुन रहे थे आप, जोधपुर से तमाम अपडेट देते हुए किस प्रकार से प्रदेश में यहाँ पर कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश भर में 2000 तक पहुंच गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। ग्राफ जो है प्रदेश में भी लगातार बढ़ता जा रहा है, गंभीर स्थिति हो चुकी है यहाँ पर भी। प्रदेश में 2008 हो गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा।
और इसी खबर पर एक अपडेट के लिए भरतपुर से एवन संवाददाता राजेंद्र जगदीप मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, भरतपुर की क्या स्थिति है, कितने मरीज आज सुबह से सामने आए और जितने मरीज अभी तक यहाँ पर सामने आए, किस प्रकार से स्क्रीनिंग में यहाँ पर तेजी लाई जा रही है अन्य स्थिति से निपटने के लिए? जी जयेश, मैं बताना चाहूंगा कि अभी कोरोना की स्थिति यहाँ बढ़ी रही है। इस फिलहाल वर्तमान में जो आज की ताजा स्थिति है वो 160 कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ संक्रमित मरीज भरतपुर में है। अभी रात को जो है मरीज आए थे, चार देर रात को मरीजों की जानकारी मिली थी, जिसमें चार मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से एक महिला जो है कासौट द्वीप क्षेत्र की रहने वाली बताई गई थी। एक पहले ये हुआ था कि नदवई के थेड़ा देवी सिंह का एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ, लेकिन बाद में उसको करेक्शन किया गया कि वो कन्नौज यूपी का रहने वाला है। इसके अलावा एक ब्याना की 9 साल की बच्ची निकली और एक मानसिक रोगी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोरोना पॉजिटिव जो पाया मानसिक रोग, इसको लेकर के प्रशासन असमंजस में है, क्योंकि अभी तक इसके घर वालों का और परिजनों का पता नहीं चला है कि कहाँ का रहने वाला है, कौन इसके संपर्क में आए हैं। तो ये चीज प्रशासन इस पर ज्यादा जोर दे रहा है कि जिस कहीं और ज्यादा लोगों से इससे प्रभावित ना हो, संक्रमित ना हो, इस बात को लेकर के। लेकिन आज इसको लेकर के जिला कलेक्टर नथमल जडेल और ने जो है दो जगह जो है कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। एक तो द्वीप क्षेत्र की ग्राम पंचायत कासौट में कर्फ्यू लगाया है, दूसरा कुमेर उपखंड और नगर पालिका क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया है जी। और कलेक्टर नथमल जडेल और एसपी हैदर अली जैदी ने भी आज कर्फ्यू ग्रस्त जो आज लगाए हैं कर्फ्यू में किया है, वहां भी दौरा किया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भरतपुर में जिला मुख्यालय पर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के बार बार कहने पर और जहां उनका बाजार खुलने का निर्धारित समय उस दौरान भी मतलब जो है एडीएम एसडीएम और सीओ पुलिस के अधिकारी डेली मतलब जो है राउंड ले रहे हैं, इस बात को लेकर के काफी लोगों को समझाइश भी की जा रही है। लेकिन इस बात का नजारा रात को देखने को मिला कि यहाँ की जो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि लोग सब्जी खरीदने की उसमें आड़ में अपने को सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाते और कारवा आता है, और वही दुकानदार भी इसकी पालना नहीं करते हैं, ना ही करा रहे हैं। इस बात को लेकर के रात को करीब सब्जी बेचने वाले 13 दुकानदारों को पुलिस ने जो है अरेस्ट किया है और उनको कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं और एक दूसरे को दूर रहने के लिए कहें। उस हिसाब को जब संध्यास के बाद नहीं माने तो उनको प्रशासन को आज ये कार्रवाई करनी पड़ी और 13 लोगों को आज थाना कोतवाली में गिरफ्तार करके एडीएम के यहाँ पेश किया है जी। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा, एक जो अब जो इसे कोरोना वायरस को लेकर के लोग जो गंभीर स्थिति बन रही है, लेकिन कुछ धार्मिक त्यौहार भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, जिसमें से अक्षय तीज पर जैसे माना जाता है परशुराम जयंती का पर्व होता है, अक्षय तीज एक शादी विवाहों का एक अभूत साया भी होता है, जिसमें पहले से सुनते हैं बाल विवाह भी होते थे लेकिन उसकी रोकथाम भी होती रही है जी जी। और दूसरा कल से जो है रमजान का महीना भी शुरू होना, इस बात को लेकर भी प्रशासन चाह रहा है कि लोग इकट्ठे नहीं अपने घरों पर ही हिंदू जी 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 जी। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद राजेंद्र, भरतपुर से सुन रहे थे एवन संवाददाता को। प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, दो और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजधानी जयपुर से अब तक 29 मरीज अभी तक बताए जा रहे थे, दो मरीजों की और मौत हो गई और मरीजों की मौत का आंकड़ा जो है वो अब 31 हो गया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए कोटा से एवन संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कोटा की क्या स्थिति है फिलहाल कोरोना के संदर्भ में? जी, अगर कोटा की स्थिति की बात की जाए तो कोटा में आज अचानक कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता गया जी। आज 18 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें 13 कोरोना पॉजिटिव सुकेत निवासी हैं। कोटा से एक बुरी खबर और है कि जो नगर निगम के जो दो सफाई कर्मचारी थे वो भी आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जी। एक जो इलाका बचा हुआ था, पहले कोटा में सीमित एक दायरा था जिसमें महाकर्फ्यू लगा हुआ था, और उस महाकर्फ्यू लगने के बाद में उसी इस जगह पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे थे, मगर अब जो कोरोना मरीज जो पाए गए हैं वो सुभाष नगर, टिप्टा और शिवपुरा निवासी हैं। तो एक एक मरीज यहाँ से पाया गया है, तो इसलिए प्रशासन की मुश्किलें जयंती और बढ़ती गई है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है, और लगातार जिला प्रशासन लगातार गाइडलाइन और लॉकडाउन की पालना करने में लगा हुआ है,
मगर आज हमारी शहर एडिशनल एसपी दिलीप सैनी से बात हुई तो कुछ घटनाएं सामने आई। जो लाडपुरा इलाका है वहां पर भीड़ का एक समूह जुट गया, लगातार खाद्य सामग्री की मांग कर रहा था जी। सोशल डिस्टेंसिंग की वहां बिल्कुल भी पालना होती हुई नहीं दिखाई दी। इसके बाद में भारी पुलिस बल जाब्ता वहां पर तैनात किया गया। साफ तौर पर जो जिला प्रशासन है और जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार खाद्य सामग्री इन इलाकों में पहुंचाई जा रही है, फिर भी लोग अनावश्यक रूप से एक बवाल बना रखा है और एक पूरा षड्यंत्र रचकर लोग सड़कों पर बाहर आ रहे हैं, जिससे निपटना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल है। लगातार पुलिस प्रशासन के सामने ये समस्या लगातार आ रही है। पहले अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में एक भी मरीज कोटा देहात में नहीं था, मगर कोटा देहात में भी अब कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण पहुंच गया है। तो कोटा के लिए बिल्कुल भी राहत की खबर नहीं है जयंती, क्योंकि कोटा एक हब बनता जा रहा है और एक स्पोर्ट के तरफ से कोटा उभर कर सामने आ रहा है। जयंती, इन सारी तस्वीरों के बाद में कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और बच्चों को लगातार अपने अपने प्रदेशों में भेजने की कवायद चल रही है। लगातार बसें आ रही है और बसों के जरिए इन बच्चों को वहां पर भेजा भी जा रहा है। एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जब यूपी इन बच्चों को भेजा गया तो एक गाजीपुर में एक स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव मिली, तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो संक्रमण है वो बाहर भी जा रहा है। अब किस तरह से स्क्रीनिंग हो रही है, कितना जांच का दायरा है, ये तो प्रशासन ही भली भांति परिचित करा पाएगा। अगर कोटा प्रशासन की अगर बात करें जयंती, तो पत्रकारों के लिए भी एक दुर्भाग्य की स्थिति है। लगातार जिला कलेक्टर कोटा शहर एसपी गौरव यादव को लगातार फोन किया जा रहा है, मगर जिला प्रशासन न तो फोन उठा रहा है और न ही पत्रकारों को कोई अपडेट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरह इस मामले को संभालने में फेल होता नजर आ रहा है। जयंती, कहीं ना कहीं जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते एक जिम्मेदारी होती है कि अधिकारियों का वर्जन लिया जाए, अधिकारियों का वर्जन लेने के साथ ही उस खबर की पुष्टि की जाए। मगर शहर में बड़े बड़े बवाल हो जाते हैं जयंती, फिर भी अधिकारी इस पर मौन बैठे हुए हैं, पत्रकारों को इसकी अवगत नहीं करा रहे। तो बड़ी बड़ी खबर आप बता रहे हैं राजेंद्र, बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं। प्रशासनिक जो अभी यहाँ पर उदासीनता है वो बड़ा कारण है, सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पालना नहीं करवा पा रहा है प्रशासन और लगातार कोटा अब इस चीज से उबरता जा रहा है, उसमें लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और कहीं भी यहाँ पर फुल स्टॉप कोटा में लगता हुआ दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा है। जयंती, एक और खबर जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों को आइसोलेशन वार्ड में डाला गया है वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जो वास्तव में चौंकाने वाली है जी। लोगों ने क्वारंटाइन को एक मजाक बना रखा है, जो क्वारंटाइन में रखे हुए लोग हैं वो तफरी मारते हुए नजर आ रहे हैं, जो डॉक्टरों के इक्विपमेंट है उनसे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से जब सोशल मीडिया पे इस तरह की तस्वीर आती है तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का भी मनोबल कमजोर होता है। जैसे पत्रकार होने के नाते एक बात और कहेंगे, वो जो लोग कोरोना योद्धा के रूप में जो यहाँ पर डॉक्टर सेवा कर रहे हैं उनको इलाज के लिए बेहतर चिकित्सा और बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, उनको ये तस्वीरें देखकर बहुत दुख होता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन को एक मजाक बना रखा है। जिला प्रशासन बिल्कुल मुख दर्शक बना हुआ है, कहीं ना कहीं एक कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। यदि भारी डिस्टेंस में इतने लोग रोडों पर निकल जाएंगे तो वास्तव में कोरोना का जो युद्ध है वो भारत कभी नहीं जीत पाएगा। अगर कोटा के ये हालात रहेंगे तो कोटा को लगातार इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। पूरे प्रदेश भर से कोरोना की ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 2 बजे की रिपोर्ट के बाद में 2008 पर पहुंच गया आंकड़ा, 8 और संक्रमित यहां प्रदेश से सामने आए। भरतपुर में कोरोना का पॉजिटिव पाया गया, इसके अलावा 2 लोगों की मौत भी हो गई है और मृतक लोगों की संख्या 29 से बढ़कर 31 पर पहुंच गई, 31 हो गया है आंकड़ा। राजस्थान में कुल 31 लोगों की कोरोना के संक्रमण के चलते मौत हुई। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा पहुंच गया है 2008 पर। लगातार प्रदेश में कोरोना का प्रकोप यहां पर जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 473 जो लोग हैं उनके कोरोना की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई, 193 इनमें से मरीज इतने भी बताए जा रहे हैं कि जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, राहत की खबर प्रदेश के लिए। इसके अलावा अभी भी एक्टिव जो मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 2008 ताजा आंकड़ा जो है अभी इधर दो बजे के रिपोर्ट के बाद में पता चला कि 8 और मरीज यहां पर प्रदेश भर से संक्रमित पाए गए। 2 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। 31 हो गया है मृतक लोगों का आंकड़ा। इसके अलावा 8 लोग और पॉजिटिव पाए गए, भरतपुर से 1। और इसके अलावा कोरोना का जो आंकड़ा है 2008 पर पहुंच गया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम, जहां से मेरे सहयोगी लोकेश ओला इस वक्त जुड़ चुके हैं। लोकेश, ताजा आंकड़ा 2008 हो गया है, 2 लोगों की मौत भी हो गई है, जो चुनौती है वो बढ़ती जा रही है प्रदेश में, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो ताज़ा 2 बजे की रिपोर्ट आई उसमें जयपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज और सामने आए हैं। हालांकि और अन्य जिलों में 2 बजे की रिपोर्ट में कोई मरीज सामने नहीं आया है। ऐसे में बात करें जयपुर में अब 761 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं आज के दिन में 2 बजे तक 44 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। और पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में अब तक 2008 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। इसके बाद में बात करें तो कोटा में आज 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने और वहाँ पर भी आंकड़ा 140 पहुँच चुका है। जयपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत और हो चुकी है और जयपुर में अब तक 17 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। साथ ही बात करें प्रदेश की तो प्रदेश में अब तक 31 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। वहीं जो रिकवरी जो हो रहे हैं या फिर दो कोरोना से ठीक हो रहे हैं या नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है उनकी संख्या भी 473 हो चुकी है, वो भी एक अच्छा आंकड़ा कहा जा सकता है। वहीं 193 लोगों को अब तक डिस्चार्ज किया जा चुका है। जयपुर में अब तक जो 132 लोगों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव हो चुकी है, वो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से कोरोना का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसमें मुख्य रूप से जहां जहां अधिक जांचें हो रही है वहीं से ही कोरोना पॉजिटिव की संख्या अधिक नजर आए, यानी कि देखा जाए तो कोरोना की जहां जांचें अधिक हो रही है वहीं कोरोना पॉजिटिव अधिक आ रहे हैं। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं नहीं कोरोना की जड़ तक जो प्रदेश का चिकित्सा महकमा वो जा रहा है, ताकि जो कोरोना जो संक्रमित लोग उनको चिन्हित किया जाए और उनको आइसोलेट किया जाए, साथ ही साथ उनके संपर्क में आने वालों को क्वारंटाइन करके इस संक्रमण को रोकने की जो प्रक्रिया है वो की जाए, इससे कि संक्रमण कहीं आगे नहीं फैले और जो प्रदेश में जहां संक्रमण फैल रहा है उसको वहीं के वहीं रोका जा सके। इन्हीं सब प्रयासों को लेकर चिकित्सा विभाग लगातार काम कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री लगातार विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उनको भी निर्देशित कर रहे हैं। दिल्ली से भी टीम आई है, जो भी पूरे जयपुर के रामगंज क्षेत्र में दौरा किया है, जयपुर के क्वारंटाइन सेंटरों में जाकर वहाँ की जो व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, साथ ही अस्पताल में भी जाकर वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, किस तरह से वहाँ पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इन सभी तमाम जो बातों को लेकर जो दिल्ली से जो टीम आई है वो भी निर्देशित कर रही है अधिकारियों को और कर्मचारियों को। जी लोकेश, जिस प्रकार से पिछले 3-4 दिनों से लगातार प्रदेश में आंकड़ा बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है, एकदम से आंकड़े में नीचे चला जाता है, उछाल फिर से एक बार आता है, लोग एक बार संतुष्ट हो जाते हैं कि आज कम लोगों की रिपोर्ट सामने आई है और एकदम से वो आंकड़ा अधिक ऊपर चला जाता है, तो क्या आने वाले दिनों के लिए कहा जा सकता है कि आने वाले जो दिन है वो चुनौतीपूर्वक है? और अगर हाँ वो चुनौतीपूर्वक है तो प्रशासन के द्वारा अधिक जो इससे लड़ने की है वो क्या रणनीति बनाई जा रही है? जी देखिए, बीते 2 दिनों पहले जब आंकड़ा अचानक जो बढ़कर सामने आया था उसका मुख्य कारण पहले से जो पुरानी पेंडिंग जो जांची हुई थी उनकी रिपोर्ट एक साथ आने की वजह से ही जो ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ा था। लेकिन बीते 2 दिन से जब ग्राफ में जो गिरावट नजर आई वो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। हालांकि जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन जो ग्राफ जो बढ़ता नजर आ रहा उसको कहीं ना कहीं रुकाव प्रदेश में सामने नजर आया है, जो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। वहीं जो रिकवर हो रहे मरीजों की संख्या भी अधिक जो आ रही है, ताकि वो भी एक अच्छी खबर कही जा सकती है प्रदेश के लिए। लेकिन बात करें तो जिस तरह से चिकित्सा विभाग काम कर रहा है या फिर जिस तरह से जो चिकित्सा विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के संक्रमण के फैलने की जो आशंका है वो एक चिंता की जो विषय है वो बनती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्राफ जो प्रदेश में जो बढ़ रहा था वो धीरे गति से बढ़ रहा है या फिर जिससे कहें कि जो नीचे बढ़ता जा रहा है, तो कोरोना संक्रमण का फैलने का जो दायरा है वो कम हुआ है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया लोकेश। आप एवन हमारे संवाददाता को सुन रहे थे, उसमें तमाम अपडेट उन्होंने दी जो लेटेस्ट अपडेट है, किस प्रकार से यहां पर आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और किस प्रकार से आगे की रणनीति बनाई जा रही है प्रशासन के द्वारा प्रदेश में इस स्थिति से लड़ने के लिए।